व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। महमूद, ये सीधी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अव्वल फजल से है। होटल रिवर व्यू ने एक शानदार काम किया, गरीबों के लिए खाने का अनाउंसमेंट किया गया है। हमारी इसके मालिक से बातचीत कलीमुल हफीज साहब से हुई, उन्होंने कहा कि रोज़ाना हम 500 लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ पर खाना फ्री में बांटेंगे। तो इस तरह की पॉजिटिव न्यूज ओखला से आ रही है, व्यूअर्स वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को। मैंने कल फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना महामारी और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, और जो रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं, जो रक्षा चलाने वाले मजदूर हैं, जो घरों में काम करते मजदूर हैं, वो सब इस सूरत में बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी को हमें ख्याल रखना चाहिए। इस सिलसिले में आज हमने 2 से 3 बजे होटल रिवरव्यू में खाना तकसीम किया, तकरीबन आज 200 पैकेट बटे। लेकिन मैं एक अपील करना चाहूँगा अपने तमाम ओखला के बाशिंदों से कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के इलाकों में आप खुद जाएं और ये मालूम करें कि आखिर कौन परेशान हाल है, कौन गरीब है, मजदूर है। कोशिश कीजिए कि उसकी परेशानी आप वहीं दूर कर सकें तो वहां दूर करें, और अगर किसी वजह से आप लोग वो काम नहीं कर पाते तो उन मजदूरों, उन परेशान लोगों को होटल रिवर व्यू 3 नंबर अबुल फजल तक जरूर भेजें। उनके पके हुए खाने के पैकेट 2 बजे से लेकर 3 बजे तक तकसीम किए जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि जरूरतमंद लोगों को ही भेजें, क्योंकि जब गैर जरूरतमंद लोग आ जाते हैं तो वो पूरा अफरा तफरी भी मचाते हैं और जरूरतमंद लोगों का कहीं ना कहीं वो हकतलफी करते हैं। आज हमने देखा बहुत सुकून से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोग एक एक मीटर की दूरी पर क्यू बनाकर खड़े हुए और इत्मीनान से सारा खाना बट गया। आइंदा भी ये हमारी कोशिश है कि पूरे लॉकडाउन में इस कोशिश को हम जारी रखें, चूंकि ये ओखला के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके अपने ओखला में कोई एक शख्स भी भूखा न सोए। मेरी फिर दोबारा से आप लोगों से ये अपील है कि ये हम सब लोग, खासतौर से वो लोग जो मालदार हैं, जो अहले माल हैं, वो खुद जाएं अपने इलाके, अपने गली, अपने मोहल्ले में जाके देखें कि कोई अगर गरीब वाकई परेशान हाल है तो उसकी निशानदेही करके उसकी परेशानी दूर करें, या उसको दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में होटल रिवरव्यू में भेजें। और एक और अपील मेरी खास वो ये कि हम इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, हम सब लोग गवर्नमेंट की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें, घरों में ही रहें ताकि इस बीमारी के लड़ने में भी हम सरकार की और तमाम इंसानों की मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया।